हेलो गाइस, वेलकम टू एएच एकेडमी। दिस इज अशफाक हबीब। इन टुडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑन डबली रेनफोर्स्ड बीम। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए आरसीसी बीम 300 mm and 600 mm is reinforced with 1256 mm square of Fe415 steel in both compression and tension zone. The effective cover for tensile steel to 50 mm and that for compression steel is 40 mm. Find the moment of resistance of the section if M20 concrete is used. Also find the uniformly distributed load the beam can carry if the effective span of the beam is 5 meter. I think आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है? आपका विड्थ ऑफ द बीम दिया हुआ है 300 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा? कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर विच इज इक्वल टू 600 माइनस 50। एक चीज नोटिस कीजिए, द इफेक्टिव कवर फॉर टेंसाइल स्टील इज 50 mm एंड इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन स्टील इज 40 mm। मतलब डी हो जाएगा आपका 600 माइनस 50 और जो डी डैश है उसका वैल्यू हो जाएगा 40। चलिए, एएसटी इज गिवन 1256 mm स्क्वायर एंड एएससी इज ऑल्सो गिवन विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1256 mm स्क्वायर। पहला स्टेप क्या था? आपको परमिसिबल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है। फॉर M20 सिग्मा सीबीसी इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फॉर Fe415 सिग्मा एसटी इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आईएस कोड से मिला, टेबल नंबर 21 एंड 22। स्टेप टू क्या था? कैलकुलेट एम एंड एमसी। एम क्या हो जाएगा? 280/3 सिग्मा सीबीसी विच इज इक्वल टू 13.33। अब एमसी क्या है? मॉड्यूलर रेशियो फॉर कंप्रेशन स्टील, एमसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू एम विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 13.33 विच इज इक्वल टू 20। चलिए थर्ड स्टेप क्या था? कैलकुलेट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। XC इज इक्वल टू K इंटू डी, वेर K इज इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी बाई एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। आपको यहां से K का वैल्यू मिल गया 0.288। अब XC निकाल लीजिए, XC विल बी इक्वल टू 158.73 mm। चलिए फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का क्या फॉर्मूला था? बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एम सी माइनस वन ए सी इंटू एक्स माइनस डी डैश इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। आपको एक ही अननोन है जो है एक्स, आपको एक्स आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फॉर एक्स, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 158। स्टेप फाइव, कंपेयर एक्स एंड एक्ससी। एक्स हम लोग को कितना मिला था? 158 एंड एक्ससी वाज 158.78, स्लाइटली बिगर। एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्स, हेंस द सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड। अब देखिए, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट सिग्मा सीबीसी डैश, ये आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि सिबल स्ट्रेस अभी तक उस लिमिट तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या करना है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। इस फॉर्मूला से आपको सिग्मा सीबीसी डैश मिल जाएगा 6.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब क्या करना है? स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेसिव टेंशन निकालना है विच इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश। उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा सीबीसी डैश इंटू 1 माइनस डी डैश बाय एक्स। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, आप लोग एक बार मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिए। चलिए, आपका
सिग्मा सीबीसी डैश का वैल्यू आ जाएगा 5.15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ सिग्मा सीबीसी बी एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री प्लस एम सी माइनस वन ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश इंटू सिग्मा सी डैश। सारा का सारा वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कीजिए और एम आर का वैल्यू निकालिए। आपका एम आर का वैल्यू हो जाएगा 145.2 किलो न्यूटन मीटर। अब अगर इसी प्रॉब्लम को अगर मैं बाई स्टील बीम थ्योरी कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था स्टील बीम थ्योरी में। स्टील बीम थ्योरी कब एप्लीकेबल होगा, जब ए एस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एस टी। सिंस इन दिस प्रॉब्लम ए एस सी इज इक्वल टू ए एस टी, सो वी कैन अप्लाई स्टील बीम थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस डी डैश। एम आर का वैल्यू आ जाएगा 147.3 किलोन्यूटन मीटर। देखिए कंपेयर कीजिए, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे कितना आया 147.3 और यहाँ जो आंसर आया था 145.2, ये आप देख सकते है ना। चलिए प्रॉब्लम नंबर टू। रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन इज रेनफोर्स्ड ऑन बोथ साइड इज 300 mm वाइड एंड हैविंग 550 mm डेप्थ। द सेंटर ऑफ स्टील आर 50 mm फ्रॉम रेस्पेक्टिव एजेस। डिटरमाइन द स्टील एरिया ऑन बोथ साइड फॉर अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 90 किलो न्यूटन मीटर सॉल्व बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज M20 एंड Fe415 ग्रेड्स। चलिए क्वेश्चन में आपको AST1, AST2 एंड ASC निकालना है, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। गिवन डेटा क्या क्या है, B इज गिवन, कैपिटल D इज गिवन, यू कैलकुलेट द स्मॉल D एंड D डैश इज ऑल्सो गिवन विच इज 50 mm। बेंडिंग मोमेंट इज गिवन विच इज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ME इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप वन परमिसिबल स्ट्रेसेस डिटरमाइन करना होगा। फॉर M20 सिग्मा सीबीसी इज 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड फॉर Fe415 सिग्मा एसटी इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलिए सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, ME इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन मीटर। अगर प्रॉब्लम में बेंडिंग मोमेंट नहीं है और आपको लोड दिया हुआ, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है बाय द फॉर्मूला WL² / 8 और WL² / 2। दिस इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड दिस इज फॉर कैंटिलीवर। स्टेप थ्री, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन M1। बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, हाफ सिग्मा सीबीसी बी एक्सी डी माइनस एक्सी बाई थ्री। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करोगे आपको क्या करना है, वो डबली रेनफोर्स बीम को दो बीम में कन्वर्ट करना है, एक है बैलेंस सेक्शन और एक है इमेजिनरी बीम, कुछ इस तरह। ये आपका सेक्शन है डबली रेनफोर्स सेक्शन, आपको कन्वर्ट करना है दो बीम में, एक बैलेंस सेक्शन बीम और एक इमेजिनरी सेक्शन बीम। अब ये बैलेंस सेक्शन के लिए बैलेंस मोमेंट होगा M1, इस M1 को रेजिस्ट करने के लिए आपको AST1 कैलकुलेट करना है, क्लियर बात है। और जो एडिशनल मोमेंट होगा उस मोमेंट के लिए आपको ASC निकालना है और उसी मोमेंट के लिए आपको AST2 भी निकालना है, सिंपल। चलिए प्रॉब्लम पे आते हैं। अब M1 का फॉर्मूला क्या था, हाफ सिग्मा सीबीसी बी एक्सी डी माइनस एक्सी बाई थ्री। वैल्यू पुट कीजिए, आपका M1 आ जाएगा 68.47 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट कितना था, 90 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे बैलेंस मोमेंट कितना हुआ, 68.47 किलो न्यूटन मीटर। मतलब एक्सटर्नल मोमेंट इज ग्रेटर देन बैलेंस मोमेंट है ना, मतलब यू हैव टू डिजाइन इट फॉर डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। अब देखिए स्टेप फोर, कैलकुलेट एडिशनल मोमेंट टू बी रेजिस्टेड। एडिशनल मोमेंट कितना हो जाएगा,
m2 is equal to me minus m1, me minus m1, 90 minus 68.47, which is equal to 21.53 kilonewton meter. ये जो आपका additional moment है, इसके लिए आपको AST निकालना है और AST2 निकालना है. चलिए step 5, calculate AST1 corresponding to m1. बिल्कुल, balance section के लिए मेरा कितना reinforcement था? AST1. m1 is equal to sigma ST AST1 d minus xc by 3. वैल्यू पुट कर दीजिए और इस इक्वेशन से AST1 निकाल लीजिए. AST1 आ जाएगा आपका 658.76 mm². स्टेप 6, कैलकुलेट AST2 कोरिस्पोंडिंग टू m2. अब m2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m2 इज इक्वल टू सिग्मा ST AST2 d माइनस d डैश. देखिए मोमेंट मतलब क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म. तो यहां पे देखिए ये है टेंसाइल फोर्स, यहां पे देखिए ये सिग्मा ST इनटू AST2, ये हो गया आपका टेंसाइल फोर्स और ये जो है ये हो गया आपका लीवर आर्म. चलिए वैल्यू पुट कीजिए और AST2 निकाल लीजिए. AST2 हो जाएगा आपका 208 mm². टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना होगा? AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 which is equal to 866.76 mm². Clear? चलिए अब step 7, calculate ASC to resist M2. M2 is equal to MC minus 1 into ASC sigma C dash into D minus D dash. अब इस equation में sigma C dash आपको निकालना है. Sigma C dash is equal to sigma CBC into 1 minus D dash by XC. ये formula मैंने previous lecture में कराया था, एक बार देख लीजिए. Sigma C dash आ जाएगा आपका 4.57 newton per mm square and MC will be equal to 1.5 m which is equal to 20. चलिए value put कर दीजिए और ASC निकाल लीजिए इस equation से. आपका ASC आ जाएगा 551 mm². अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करना है. सपोज यू हैव प्रोवाइडेड 20 mm डाया स्टील बार, तो कितना नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करना होगा? नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इन टेंशन जोन इज इक्वल टू AST बाय FI, मतलब टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन बाय एरिया ऑफ सिंगल बार व्हिच इज इक्वल टू 866.76 by 314 is the area of single bar. Number of bars आ जाएगा आपका 2.76 which is equal to 3 numbers. Similarly, number of bars required in compression zone will be 2 numbers. यह हो गया आपका problem. ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही. Next class में मैं limit state method start करूँगा. अगर मेरा video आपको पसंद है तो subscribe कीजिए और दोस्तों के साथ share कीजिए. Thank you. Have a nice day.